सब्सक्राइब करिए करियर वॉकर को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका एजुकेशन न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं आज का लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज हेडलाइंस एंड अपडेट्स। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS द्वारा देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में सत्र 2021 में पहली कक्षाओं में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट की घोषणा 11 अगस्त 2020 को की जाएगी। नतीजे का ऐलान विद्यालय के YouTube चैनल पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा पेरेंट्स बच्चों के रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का भी रुख कर सकते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर लॉग इन करना होगा। पेरेंट्स 12 अगस्त सुबह 6 बजे से अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। पेरेंट्स ध्यान दें कि यह एक प्रोविजनल लिस्ट है, दाखिले के लिए फाइनल लिस्ट संबंधित स्कूलों द्वारा जारी की जाएगी और KVS पोर्टल द्वारा संचालित की जाएगी। इसके बाद KVS के पोर्टल पर पेरेंट्स रिजल्ट की जांच कर सकेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC द्वारा आगामी 4 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए संयुक्त रूप से आयोजित में सम्मिलित होने के लिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार UPSC प्रीलियम्स 2020 में सम्मिलित होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने वर्ष 2020 के लिए जारी कैलेंडर में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन 31 मई 2020 को आयोजित करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन COVID-19 महामारी को देखते हुए इसे संशोधित परीक्षा कैलेंडर में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को 4 अक्टूबर 2020 कर दिया है। हालांकि अभी तक COVID-19 महामारी की स्थिति में विशेष सुधार न होने एवं UPSC प्रीलियम 2020 में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को संक्रमण से बचाने के लिए आयोजित द्वारा सिविल सर्विस प्रीलियम 2020 के लिए कोरोना टेस्ट नेगेटिव होने की आवश्यकता लागू कर दी गई है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर की परीक्षा स्थगित कर दी है। यूनिवर्सिटी ने 21 अगस्त से शुरू होने वाले फाइनल ईयर की पहले चरण की परीक्षा फिलहाल टाल दी है। छात्र छात्राएं इस बात का ध्यान रखें कि यह परीक्षा केवल UGC के तहत पाठ्यक्रमों के लिए स्थगित की गई है। काउंसिल जैसे परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए जैसे मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। इसका शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कुलपति हिमांशु पंड्याजा के बात करते हुए कहा, गृह मंत्रालय दिशा निर्देश के अनुसार 31 अगस्त तक शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा स्थगित कर दी गई है। हालांकि लॉ और शिक्षा विभाग के डीन ने बताया कि यूनिवर्सिटी BA, BSc, BCom और अन्य जैसे पाठ्यक्रमों में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजन करने का विकल्प प्रदान करेंगे। साथ ही आपको एक और लेटेस्ट अपडेट दे दूं, फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त 2020 को हुई सुनवाई के बाद मामले को 14 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। सुनवाई के दौरान UGC और सरकार का पक्ष रख रहे सेलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एकमात्र बॉडी है जो कि डिग्री से संबंधित नियमों को बना सकता है और राज्य इन नियमों में संशोधित नहीं कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा का आयोजन न किया जाना स्वयं छात्रों के लिए ही हित में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC ने आगामी 16 अगस्त 2020 को आयोजित किए जाने वाले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिशियल प्रीलियम्स एग्जाम 2020 के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी किया है। आयोग द्वारा सोमवार 10 अगस्त को जारी खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 के लिए दिशा निर्देश का पालन सभी उम्मीदवारों के साथ साथ परीक्षा केंद्र के स्टाफ को करना अनिवार्य होगा। आयोग ने UPSC BEO प्रीलियम्स एग्जाम 2020 SOP को अपने ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि uppsc.up.nic.in पर जारी किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कार्यालय सहायक बहुउद्देश्य एवं अधिकारियों की भर्ती यानी कि CRP RRBS 9 के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पदों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा की तिथियों को घोषणा कर दी है। IBPS द्वारा सोमवार 10 अगस्त को ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि IBPS.in पर जारी CRP RRBS 9 के लिए जारी परीक्षाओं की
प्रस्तावित तिथियों से संबंधित ऑफिशियल नोटिस के अनुसार कार्यालय सहायक बहुउद्देश्य एवं अधिकारी स्केल एक के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12, 13, 19, 20 एवं 26 सितंबर 2020 को किया जाएगा, जबकि आधिकारिक स्केल 2 एवं स्केल 3 के लिए एकल्प परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं आधिकारिक स्केल 1 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी एवं ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 31 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा। आपको बता दें IBPS RRB भर्ती 2020 के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है वो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। UPSC ने हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा 2019 के नतीजे जारी किए हैं। इसके बाद से लगभग हर दिन देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संघर्ष के सफलता तक की कहानी सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2019 में तमिलनाडु के मुद्देर से ताल्लुक रखने वाली पूर्णा सुंदरी ने सफलता हासिल की है। पूर्णा ने परीक्षा में 286 रैंक पाई है। सिविल सेवा परीक्षा 286 रैंक हासिल करने वाली पूर्णा के लिए यह सफर आसान नहीं था। पूर्णा दिव्यांग है, देख नहीं सकती है, ऐसे में उनके लिए यह एक बेहद मुश्किल भरा रास्ता था, लेकिन परिवार की मदद से उन्होंने यह असंभव को भी संभव कर दिखाया है। वहीं इस बारे में मीडिया रिपोर्ट में बात करते हुए पूर्ण ने बताया कि मेरे इस सफलता के पीछे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। करियर वर्कर पूरी तरह उनको इसके लिए बधाई देती है, साथ ही उनकी आगे की फ्यूचर के लिए मंगल शुभकामना भी करती है। काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि ओडिशा बोर्ड की इस वर्ष की साइंस स्ट्रीम 12वीं परीक्षाओं के लिए परिणाम की घोषणा शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कर दी है। ओडिशा 12वीं साइंस रिजल्ट में इस वर्ष 68,374 यानी कि 70.21% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। CHSE से संबंध ओडिशा राज्य में स्थित विद्यालयों में कक्षा 12वीं की इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में जो छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे वो अपना ओडिशा प्लस 2 रिजल्ट 2020 राज्य के ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल यानी कि odisharizult.nic.in पर जारी होने के बाद देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें पंजाब सरकार ने राज्य में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण करने की निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा यह फैसला स्टूडेंट्स को ऑनलाइन शिक्षा में मदद करने के मद्देनजर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स को आज यानी कि 12 अगस्त 2020 को स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। बता दें कि योजना के पहले चरण में लगभग 1.75 लाख स्मार्टफोन स्टूडेंट्स को प्रदान किए जाएंगे। COVID-19 महामारी के मुश्किल दौर में कुछ युवा स्टूडेंट्स के पास साधन उपलब्ध न होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा सामग्री प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्टफोन प्राप्त होने पर युवाओं को वेब पर उपलब्ध सूचनाओं के साथ साथ विभाग द्वारा पोस्ट की गई अन्य शिक्षा सामग्री तक पहुँचने में बेहद सुविधा होगी। तो एजुकेशन न्यूज में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।